छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल उपेंडी के समर्थन में अंतागढ़ विधानसभा के यूथ विंग के प्रदेश उपाध्यक्ष संतराम सलाम के नेतृत्व में युवाओं ने पदयात्रा निकाली थी, जिसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दबाव में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी तत्काल प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आम आदमी पार्टी ने निंदा की है। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता देवलाल नरेटी ने कहा कि मैं भूपेश बघेल जी से पूछना चाहता हूं कि धारा 144 केवल हमारी पार्टी और विपक्ष के लिए लगाई गई है क्या? पेट्रोल डीजल के विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के नेताओं द्वारा किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग व धारा 144 का मखौल उड़ाया? अगर कानूनी कार्रवाई की बात करें तो कांग्रेस की पूरी कैबिनेट को गिरफ्तार करना होगा। जिलाध्यक्ष हरेश चक्रधर्ती ने कहा कि बेरोजगार युवाओं की मांग को भूपेश सरकार कुचलना चाहती है और हमारे आमरण अनशन से सरकार डर गई है। यूथ विंग के उपाध्यक्ष संत सलाम, आम आदमी पार्टी नेताओं ने पुलिस से गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी पूछने पर पुलिस ने बताया कि अभी छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के कारण धारा 144 लगी है, जिससे आंदोलन नहीं कर सकते। इस पर उंगली उठाते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पुलिस प्रशासन से पूछना चाहती है कि पिछले 28 जुलाई से पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद्र पाणी के नेतृत्व और विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी पूरे प्रदेश में आंदोलन किया गया। दोनों दलों द्वारा भारी भीड़ जमा करके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पुतले दहन और धरना प्रदर्शन किए गए, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को और ना ही छत्तीसगढ़ के पुलिस को दिखाई दिया। या फिर छत्तीसगढ़ में इन दोनों दलों के लिए नियम कानून नहीं है, इसका जवाब मुख्यमंत्री और पुलिस प्रशासन को देना होगा, या फिर दोनों दलों के नेताओं की भी गिरफ्तारी की जाए। कांग्रेस जब 15 साल विपक्ष में थी तब भूपेश बघेल बार बार न्याय की बात करते थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी वर्तमान में भी केंद्र सरकार को तानाशाह कहते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में उनके पार्टी के मुख्यमंत्री अपने चुनावी घोषणा पत्र को पूरा नहीं कर रहे, बल्कि उल्टे शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं को बलपूर्वक गिरफ्तार कर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखना ना भूलें IDP24 न्यूज, और हाँ, यूट्यूब में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।